अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। आज मैं आपसे अपनी डेली की रूटीन शेयर करूंगी। ये सुबह का टाइम है, लाइट ऑफ की हुई है कमरे की, मैंने छोटू सो रहा है और मैं अब बहुत आराम से दरवाज़ा बंद करके आमना को रेडी करने के लिए जा रही हूँ। आमना को मैंने रेडी कर लिया था पहले ही, अब उसको नाश्ता देना है। ये आमना नाश्ता कर रही है और आमना का लंच भी रेडी है स्कूल लेके जाने के लिए। एक साइड पे मैं चाय बनाई है और दादू के लिए भी रोटी बनानी है। ये दादू की रोटी पड़ गई है तवे पे और अब हम सबसे पहले दादू को रोटी देंगे। और इतने में आमना का कैरी आ गया है। ये मेरे कमरे की हालत है, अभी इसको हम गुड करेंगे यानी सारी सफाई कराएंगे भाई। बच्चों के कमरे का हाल है, अब इसको हम गुड करेंगे। नहीं जी, कमरे की सफाई हो गई है सारी, बल्कि पूरे घर की सफाई हो गई है। अब मैं यशवा को नहलाने लगी हूँ। यशवा को मैंने धूप पे नहलाया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा यशवा को ना मैं धूप पे नहलाती हूँ, यशवा बहुत इन्जॉय करती है धूप में नहा के और हैप्पी होती है। उसके बाद यशवा को मैंने सुला दिया। यशवा आराम से माशाल्लाह घंटा सोई और उसके बाद यशवा बीबी फ़ौरन उठ गई। बस मैं इसको सोता देखती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो ये उठी होती है। बस ये छोटे छोटे नैप लेती है, लंबा नहीं सोती जैसे मैं इसको ख्वाहिश करके सुला के आती हूँ। ये यशवा उठ गई थी और ये अपने चाचू के साथ जा रही है घूमने फिरने बाहर। इसको गाड़ी में बैठ के बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा करती है फिर, और हैप्पी हो जाती है। ये लोग अब इंजॉय करके आएंगे, बाहर से राउंड लगा के आएंगे और साथ में घर की चीज़ें लेके आएंगे। चले, इतने में मुझे पता चला वाह वाह कौन है आमना। मम्मी आ रहे हैं। मम्मी हेलो, मैंने सारी वीडियोस बना ली है। क्या हाल, ठीक हो? जो पॉकेट मनी बची वो इसमें डाल दी है। गुडा गुडा ओ। इसके बाद मैंने आमना को पढ़ाया और बाकी जो रूटीन है वो मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी इंशाल्लाह।